हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसमें ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम इसमें वीडियो कंटेंट के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते चलेंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। हमारा टॉपिक है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, जिसको हम CST भी बोल सकते हैं। ओके, जिसको हम CST भी बोल सकते हैं, मीन्स क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, या इसको हम बोलते हैं कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। क्रिटिकल सोल्यूशन को हम कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो एक क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता क्या है? द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव और बिलो विच द पेयर ऑफ पार्शियल मिसिबल लिक्विड बिकम कम्प्लीटली मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। मीन्स क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? कि वो टेम्परेचर है जिसमें कोई दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड को मिसिबल किया जा सके, मीन्स उसको कम्प्लीटली मिक्स किया जा सके, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, या इसको इट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। एंड जैसे एग्जांपल की बात करें, फिनॉल प्लस वाटर, अगर हम फिनॉल वाटर में फिनॉल को अगर मिक्स करते हैं तो ये मिसिबल नहीं होता, मीन्स ये कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होता, या पार्शियली मिसिबल होता है, मीन्स स्लाइटली मिसिबल होता है कह सकते हैं। तो इसको कम्प्लीट मिसिबल करने के लिए इसको हम जो टेम्परेचर देते हैं वही टेम्परेचर क्या होता है? CST कहलाता है, मीन्स क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। एंड अब देखते हैं फिनॉल प्लस वाटर सिस्टम के बारे में कुछ बात करते हैं नीचे। तो ऑन सेकिंग इक्वल वैल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर वी गेट टू लेयर्स। द अपर लेयर इज ए सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल एंड लोअर लेयर इज ए सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर। मीन्स जब हम वाटर में फिनॉल को मिक्स करते हैं और उसे सेक करते हैं तो क्या होता है कि इसमें दो लेयर बनते हैं। मान लीजिए ये है कोई कंटेनर, इसमें हमने क्या किया, वाटर एंड फिनॉल को मिक्स किया इसमें हम, तो इसमें दो लेयर बनेंगे। तो जो अपर लेयर रहेगा ये वाला, तो इसमें क्या होगा कि अपर लेयर इन ए सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, मीन्स इसमें वाटर जो है फिनॉल में रहेगा, वाटर इन फिनॉल, एंड इस वाले लेयर में फिनॉल इन वाटर। ओके, तो इसमें दो लेयर बनेंगे, एक वाटर इन फिनॉल, एक फिनॉल इन वाटर। एंड एट ए फिक्स टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ ईच सोल्यूशन इज मिक्सड एंड बोथ द सोल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। और इसे हम किसी इसे हम मिक्स करने के लिए क्या करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर देते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच सच सोल्यूशन आर कम्प्लीटली मिसिबल इन आल प्रपोर्शन इट इज नोन एज CST। और वही टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हमने क्या किया था, पार्शियली मिसिबल लिक्विड को, मीन्स फिनॉल एंड वाटर सोल्यूशन को मिक्स किया था, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, CST, मीन्स क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ओके, अब हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मेनली टू टाइप के होते हैं, हम देख लेते हैं। पहला टाइप है आपका UCST, मीन्स अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। एंड सेकेंड टाइप है आपका LCST, मीन्स लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। मीन्स अब पहला हम देखते हैं, पहला क्या है, द UCST मीन्स अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच पेयर ऑफ पार्शियल लिक्विड बिकम कम्प्लीटली मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। मीन्स अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हुआ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है जिस क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के अबव जब हम उसको मिक्स करते हैं किसी पार्शियली मिसिबल लिक्विड को, जब उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर देखिए उसको मिक्स करते हैं तो वहाँ पर कहलाता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हेक्सेन एंड नाइट्रोबेंजीन को अगर हम मिक्स करें तो इसको मिक्स करने के लिए हमें क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, मिक्स होगा। मीन्स इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसमें सॉल्बिलिटीज की इंक्रीज होगी। ओके, एंड हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है हमारा क्या, लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, द
LCST is the critical temperature below which pair of partially liquid become completely miscible in all proportion. फर्स्ट वाले में क्या था कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था किसी पार्शियली मिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें किसी पार्शियली मिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए हमें क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, मीन्स LCST. ओके, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आएगा जैसे ट्राई एथिलामाइन एंड वाटर. अगर हम वाटर में ट्राई एथिलामाइन को हमें मिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से हमको कम टेम्परेचर देंगे, मीन्स अगर हम इसमें हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी. ओके, तो ये था आपका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की. अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स उसको बांटना. अभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है हम देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आल्सो नोन एज पार्टीशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ऐसे पार्टीशन लॉ कहते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसको कहते हैं पार्टीशन लॉ. तो पहले हम जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है. इन ए बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन एनी ड्रग्स इज मिक्स्ड देन सम फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन ऑयल फेज and some fraction of drug is dissolved in water phase. This is called distribution. Means का जब हम कोई बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सोल्यूशन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लें, उसमें हमने बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बताया. तो जब कोई बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं, इसमें दो लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड को लेते हैं. अब यहाँ पर इमिसिबल वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड, इमिसिबल वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जो मिक्स ना हो. तो हमने क्या लिया, एक ऑयल लिया और एक वाटर लिया. आप जानते हैं ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, ये दोनों इमिसिबल हैं. तो हमने ऑयल और वाटर को लिया, दो इमिसिबल लिक्विड को, उसमें हमने क्या किया, किसी ड्रग्स को डाल दिया, मीन्स हमने क्या किया, किसी ड्रग्स को एज ए सॉल्वेंट के सॉल्यूट के रूप में डाल दिया. फिर उसी सॉल्यूट का जो उन दोनों लिक्विड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. जैसे यहाँ पे हम फिगर में दिखाएं आपको कि ये ऊपर वाला लेयर ए सॉल्यूशन है एंड नीचे वाला लेयर ये दोनों सोल्यूशन बी है. ठीक, अब हमने इसमें क्या किया कि ये सल्यूट एक्स को डाला. अब इसी एक्स का दोनों सॉल्यूट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ओके, अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को नट्स के द्वारा डिफाइंड किया गया, मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू पाने के लिए नट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशन दिया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर. तो हम देखते हैं क्या था इनका इक्वेशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गिव्स ए जनरलाइजेशन विच गवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलें या चाहे नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलें, ये इन्होंने क्या किया कि एक इक्वेशन दिया किसके किसके बीच, कि जब किसी दो इमिसिबल लिक्विड में किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, इक्वेशन दिया. एंड दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय नर्स, इस लॉ को नर्स ने दिया था, इन्हीं के नाम पे इस लॉ का नाम रखा गया नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. एंड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द C1/C2 इज इक्वल टू KD. C1/C2 इज इक्वल टू KD. अब C1 KD क्या है, KD डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट है, या इसका दूसरा नाम पार्टीशन कोफिशियंट है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का दूसरा नाम ही पड़ गया था पार्टीशन लॉ, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था. और ये जो नट्स इक्वेशन है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, मीन्स किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब कोई सॉल्यूट किसी दो इमिसिबल लिक्विड में डाला जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पे नट्स ने इक्वेशन दिया. और क्वेश्चन क्या है, C1/C2 इज इक्वल टू KD. हमने बताया KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पार्शियल कांस्टेंट या कोफिशियंट. एंड C1 क्या है, C1 आपका है द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट ए, एंड C2 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट बी. मींस अगर हम आपको फिगर में दिखाएं तो ग्राफ में, तो ये है आपका सॉल्वेंट ए और ये है सॉल्वेंट बी. तो इसमें जो एक्स का कंसंट्रेशन होता है सॉल्वेंट ए में, इसको हम किसे नोट करते हैं, C1 से. एंड बी वाले में जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का होता है उसे हम कहते हैं C2 से. मीन्स
सॉल्वेंट ए में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है उसे हम C1 से डिनोट करते हैं, एंड सॉल्वेंट बी में जो सॉल्यूट एक्स का कंसंट्रेशन होता है उसे C2 से डिनोट करते हैं। तो नर्ट्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि C1 upon C2 इज इक्वल टू KD, C1 upon CT इज इक्वल टू KD, और किस पर? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, मीन्स उसका टेम्परेचर क्या हो? कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल ना हो। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या आप चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का लिमिटेशन समझें या नर्ट्स इक्वेशन का भी लिमिटेशन आप लिख सकते हैं इसी में। तो इनके क्या क्या लिमिटेशन थे, मीन्स लिमिटेशन का मतलब होता है कि ये कहाँ तक बस अप्लाई होंगी इनके लॉ। तो फर्स्ट है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मीन्स ओनली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ये इक्वेशन या ये लॉ अप्लाई होते हैं। द टेम्परेचर शुड बी केप्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सिंस सॉल्विबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मीन्स पूरे एक्सपेरिमेंट पे हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। मीन्स अगर टेम्परेचर वेरिएबल होता है तो वहाँ पे हम सॉल्विबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा, जब सॉल्विबिलिटी में इफेक्ट पड़ जाएगा तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो सकता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड क्या है, सेम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, कैसे? सॉल्यूट मस्ट बी इन द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ सॉल्वेंट, मीन्स दोनों सॉल्वेंट में जो हम सॉल्यूट को, मान लो कोई सॉल्यूट एक्स है अगर उसको डालते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर जो स्टेट है वो क्या हो? सेम हो, ठीक। एंड थर्ड है नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स नॉन मिसिबिलिटी मतलब ऑफ सॉल्वेंट मीन्स जो हमने दो सॉल्वेंट लिया मिसिबल सॉल्वेंट वो क्या हो? नॉन मिसिबल हो। अगर मिक्स हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो होगा ही नहीं, तो इसलिए वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। द सॉल्वेंट आर टू बी अलाउड फॉर सेपरेशन फॉर द सफिशियंट टाइम, मीन्स क्या होना चाहिए कि अगर हम उसी दोनों सॉल्वेंट को हम एक दूसरे में मिक्स करें तो वो कुछ टाइम तक सेपरेट रहें, मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है डाइल्यूशन सोल्यूशन, मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी लो इन टू सॉल्वेंट, मीन्स कह रहा है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी लो इन टू सॉल्वेंट, मीन्स उन दोनों सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो लो होना चाहिए। और दिस लो डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंसेंट्रेशन आर हाई, और या दिस लो अगर कंसेंट्रेशन अगर लो है तो कंसेंट्रेशन अगर हाई है तो ये उसमें होल्ड नहीं आ पाएगा, ठीक, अच्छी तरीके से उसमें होल्ड नहीं आ पाएगा या मिक्स नहीं हो पाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्ट्स इक्वेशन। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे पूछ लिया एप्लीकेशन ऑफ नर्ट्स इक्वेशन, तो आप यही उसमें ये टॉपिक्स ये फॉलोइंग टर्म्स या पॉइंट्स उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशन है हम देखते हैं, फर्स्ट है डिटर्मिनेशन एंड चेक ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। कह रहा है कि जो किसी सॉल्वेंट का जो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्वेंट में जो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है उसके डिटर्मिनेशन एंड चेकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वर्ड आता है तो हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्विबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन बोथ इमिसिबल सॉल्वेंट, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि सॉल्यूट की सॉल्विबिलिटी के लिए, सॉल्यूट की सॉल्विबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल सॉल्वेंट में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या नर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। एंड थर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और इसका यूज किस लिए किया जाता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब कि कोई अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसी एक्वस सॉल्यूशन में सेपरेट करना होता है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, और इसका फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में भी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आ गया हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एंड इसके नोट्स हमने नीचे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल दिए हैं, आप वहाँ से नोट्स को देख सकते हैं। तो थैंक यू एंड टेक केयर।